हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कॉम्पिटिशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। आज 25 जनवरी 2019 वार शुक्रवार की हम बात करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यह करंट अफेयर्स आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपने हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कॉम्पिटिशंस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के इच्छुक हैं तो अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कॉम्पिटिशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज द सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इन चेन्नई। द स्टेट गवर्नमेंट वुड सून अनवेल ई व्हीकल पॉलिसी टू गिव ए बूस्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग इन द स्टेट। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में ग्लोबल इन्वेस्टर शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित किया। राज्य सरकार जल्द ही राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ई वाहन नीति का अनावरण करेगी। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेज द प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना अंडर विच ए ग्रुप ऑफ इंडिया डिस्पोरा विल बी टेकन ऑन ए गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड टूर ऑफ रिलीजियस प्लेसेस इन इंडिया ट्वाइस ए ईयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत भारत में धार्मिक प्रवासियों के एक समूह को एक वर्ष में दो बार भारत के धार्मिक स्थलों पर ले जाया जाएगा। नेक्स्ट, द फाइनल प्लानिंग कॉन्फ्रेंस टू वर्क आउट द मॉडेलिटीज फॉर इंडियन अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज IAFTX 2019 वाज कंडक्टेड एट पुणे महाराष्ट्र। भारत अफ्रीका फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास IAFTX 2019 के लिए तौर तरीकों पर काम करने के लिए अंतिम योजना सम्मेलन पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, इंडियन नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा कमेंस्ड द न्यू नेवल एयरबेस INS कोसा एट दिगलीपुर इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दिगलीपुर में नए नौसेना एयरबेस INS कोसा का कमीशन किया गया। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर आयुष श्री श्रीपद येसो नाइक इनोग्रेटेड द सेकेंड एडिशन वर्ल्ड इंटीग्रेटेड मेडिसिन फोरम 2019 ऑन द रेगुलेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल प्रोडक्ट्स एडवांसिंग ग्लोबल कोलेब्रेशन इन गोवा। द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द टूर फोरम आर द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने होम्योपैथिक चिकित्सा उत्पादों का विनियमन वैश्विक सहयोग में उन्नति पर गोवा में द्वितीय विश्व एकीकृत चिकित्सा मंच 2019 का उद्घाटन किया। मंच के आयोजक आयुष मंत्रालय के तहत होम्योपैथी में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद है। नेक्स्ट, आइए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। वेनेजुएला प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो हैज अनाउंस्ड दैट ही इज ब्रेकिंग ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज विद द यूनाइटेड स्टेट्स आफ्टर हिज अमेरिकन काउंटर पार्ट डोनाल्ड ट्रंप रिकॉग्नाइज्ड अपोजिशन लीडर जुआन ग्विडो एज द साउथ अमेरिकन कंट्रीज इंटरिम प्रेसिडेंट। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने घोषणा की है कि वह अपने अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विपक्ष के नेता जुआन गुएदो को दक्षिण अमेरिका देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मान्यता देने के बाद अमेरिका के साथ राजनयिक संबंध तोड़ रहे हैं। नेक्स्ट, आइए बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति की। यस बैंक हैज अपॉइंटेड वेटर्न बैंकर रवनीत सिंह गिल एज इट्स न्यू MD एंड CEO and the lender has also received the RBI's approval for the same. He will join the bank on or before March 1, 2019. Mr. Gill is currently the chief trustee banks
इंडिया ऑपरेशंस। यस बैंक ने अनुभवी बैंकर रवनीत सिंह गिल को अपना नया MD और CEO नियुक्त किया है और ऋणदाता को इसके लिए RBI की स्वीकृति भी मिल गई है। वह 1 मार्च 2019 को या उससे पहले बैंक में शामिल हो जाएंगे। श्री गिल वर्तमान में ड्यूस बैंक के भारत परिचालन के प्रमुख हैं। नेक्स्ट, पीयूष गोयल है बीन नेम्ड द इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर एंड इंटरिम मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ड्यूरिंग अरुण जेटली इंडी पोजिशन। गोयल विल रिटेन हिज एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ऑफ कोल एंड रेलवेज। पीयूष गोयल को अरुण जेटली की अस्वस्थता के कारण अंतरिम वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के अंतरिम मंत्री के रूप में नामित किया गया है। गोयल कोयला और रेलवे के अपने मौजूदा विभागों को बनाए रखेंगे। नेक्स्ट, रैंकिंग रिपोर्ट विद रॉबस्ट प्राइवेट कंजप्शन एंड 7.4% GDP ग्रोथ रेट इन द करंट फिस्काल, द इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू एक्सेलरेट एट ए रेट ऑफ 7.6% इन 2019-20 अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाई द यूनाइटेड नेशंस टाइटल यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स WSP 2019। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस WSP 2019 नामक संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में मजबूत निजी खपत और 7.4% की GDP वृद्धि दर के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के 2019-20 में 7.6% की गति से वृद्धि होने की उम्मीद है। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज, अवार्ड पुरस्कार। 3 इंडियन एक्सपर्ट फ्रॉम द UAE आर अमंगेस्ट दोज हु वन द प्रेस्टिजियस प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। द हाइएस्ट ऑनर कॉन्फर्ड ऑन इंडियन डिस्पोरा, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कॉन्फर्ड द अवार्ड ऑन गिरीश पंत, सुरेंद्र सिंह कंधारी एंड डॉक्टर जुलेखा दौद एंड अदर अवार्डीज एट द प्रवासी भारतीय दिवस PBD कन्वेंशन इन वाराणसी। UAE के 3 भारतीय प्रवासी उन लोगों में हैं जिन्होंने भारतीय प्रवासी के लिए सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस PBD कन्वेंशन में गिरीश पंत, सुरेंद्र सिंह कंधारी और डॉक्टर जुलेखा दाऊद को और अन्य पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपकी करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में डालें और UV कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।